रामा रहीम अम स्टूडेंट टुडे आवर थर्ड लेक्चर ऑफ़ इक्विटी नाउ टुडे वी डिस्कस द डॉक्ट्राइन एंड प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर सिक्स को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इक्विटी से मुतलिक हैं स्पेशली उनके डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल से उस वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना क्या हो अब इक्विटी जिस तरह से हमने पहले अपने दो लक्षा में पढ़ा है कि इक्विटी क्या है अगेन हम थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं इक्विटी इज ए सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉ फ्रॉम द कॉमन लॉ इट हैज डिफरेंट रूल्स प्रिंसिपल्स एंड रेमिडीज थर्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑन विच द लॉ ऑफ इक्विटी इज बेस्ड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिनल एंड द रीज़न for its requirement despite the presence of a system of law that is the common law common law is the body of customary law which originated in the curia regis king's court london english common law was primarily developed by judges and was based on judicial decision and presidents the country saw the needs for the law of equity because of the main reason some main reason and um, some important reason we we'll discuss what is the reasons

पाकिस्तान में जो लॉज हैं स्पेशली क्या है द मैगजिम हैज़ बीन एम्बोडाइड इन द प्रोविंस ऑफ वेरियस एक्ट एंड इन ऑर्डर टू एग्जामिन द पैर फुटिंग इट इज द डिजायरेबल टू कंसिडर द केसिस अब वट काइंड द पार्टनर्स को ओनर्स को कंस्ट्रक्शंस पार्टीज अब ये इसी तरह से जो है जो डॉक्ट्राइन की हम ये बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो है जो लॉज जो हैं जिनके तहत जो ना रेमेडीज़ जो है हमें अवेलेबल हैं जो रेमेडीज़ जिसके अंदर क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इस नोयत के जो हैं उनमें उन हमें ऑलरेडी जो है ना रेमेडीज़ जो है ना हमें अवेल हैं इसी तरह से हम बात करते हैं जैसे सेक्शन 35 of the transfer of property act the doctrine of election says that a benefit under a legal instrument must be adopted with all of the provisions and obligation under such an instrument is under order 8 rule 6 of the cpc that doctrine of set off in case of mutual debt between two litigating parties the amount due to one party shall be set off by the same amount which is due to the other party and only the re residuary amount shall be Claim. This is the doctrine and consolidation of the mortgages where a borrower has mortgaged different properties to secure the separate debts and the default on one of those debts. This doctrine allows for the lender to pull the assets which were secured by the borrowers and to realize those secured assets against the total sum owing. इसी तरह से क्या है कि द लॉ रिलेटेड टू इक्विटी हैव इवॉल्व थ्रो प्रोसीडिंग्स एंड द इंटेंशन इज टू ग्रांट इक्विटेबल राइट्स एंड रेमेडीज टू द पार्टी द डिसीजन ऑफ द इक्विटी हैव लार्जर बीन बेस्ड ऑन द जजेस डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेयर एंड जस्ट कॉजिज इक्विटी डेट्स बैक टू द देंचुरीज अगो एंड इज स्टिल आर रेलिवेंट सो इज द केस विद लॉ लॉ एंड इक्विटी बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिस वेयर द रेजिटिटीज ऑफ द द लॉ थ्रेटन जस्टिस इक्विटी प्रिवेल्स एंड द वेयर द इक्विटी हैज नो रेमेडी द लेटर ऑफ द लॉ इज फॉलोड जस्टिस दस द डिपेंड्स अपॉन बोथ एंड द बोथ मस्ट बी कंसल्टेटेड इन ऑर्डर टू डिलीवर द जस्टिस यानी इक्विटी और कॉमन लॉ ये दोनों जो है जस्टिस के लिए मतलब ये कंसलेटेड है बोथ मस्ट भी कंसलेटेड अब जनाब हम जिस तरह से अभी मैंने आपसे कहा कि इक्विटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डॉक्ट्राइन की हम बात करते हैं इसमें कुछ मीनिंग्स हैं कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे इलेक्शन है वेयर ए पर्सन ग्रांट हिज ओन प्रॉपर्टी नेम एक्स टू ए एंड बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट पर टू ग्रांट बी टू बी प्रॉपर्टी नेम बाई बिलोंग टू ए वेदर द बिलीविंग द लेटर प्रॉपर्टी टू बी हिज ओन और नॉट इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ द दाइजिंग अब इसमें क्या है कि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की यानी इलेक्शन की यानी चूज करना किसी को द प्रिसिपल अपॉन विच दिस डॉक्टर एन इज बेस्ट इज डैट ही हुप्ट बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट अडॉप्ट मस्ट अडॉप्ट होल ऑफ इट कंफर्मिंग टू ऑल इट्स प्रोविजन एंड अनाउंसिंग एवरी राइट इनकिस विद द लॉ ईस कॉमनली इट इज ऑल्सो कॉमनली एक्सप्रेस बाई द डिक्ट ए मैन कैन नॉट बोथ अप्रोबेट और रिप्रोबेट यानि सेम टाइम ही एक ही शख्स जो है खराब और अच्छा नहीं हो सकता यानी सेम टाइम जो है एक ही शख्स जो है खराब और अच्छा नहीं हो सकता अब ये क्या है इट इज़ इलेक्शन हैज़ देअर फोर बी डिफाइंड एज चूजिंग बिटवीन टू राइट्स व्हेन देयर इज ए क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी इंजॉयड यानी सेम टाइम में दो चीज़ों को हम इंजॉय नहीं कर सकते ये डॉक्ट्राइन जो है मेन पाकिस्तानी ला में क्या किस तरह से हम डिफाइन करेंगे लॉ विथ रिगार्ड्स टू इलेक्शन इन Cases of deeds is contained in section 35 of the Transfer of Property Act 1882 and law regarding the election in cases of will in section 180 and 190 of the Succession Act 18, 19, 1925. of section 35, transfer of property, sorry, the doctrine or election says that a benefit under a legal instrument must be adopted with all of the provisions and Obligations under such an instrument. Section 35, ये कहता है अब आगे सेकेंड इसका क्या है कन्वर्जन यानी तब्दीली का अमल अब कन्वर्जन क्या है कन्वर्जन इज एन इक्टेबल डॉक्ट्राइन बाय विच लैंड इज फॉर ऑल रिकॉर्ड एज मनी एंड वॉइस फॉर शाह बाई एन एप्लीकेशन ऑफ द मैगजिम इक्विटी रिकॉर्ड दैट इज डन विच ऑट टू बी डन कन्वर्जन वॉज प्रिंसिपली इंपॉर्टेंट इन कनेक्शन विद Questions of devolution of the property on the owner's death because reality and personality took different lines of devolution of estates when the owner was deceased before 1926 for land devolved on the heirs, whereas the personality devolved on the executor or administrator for the benefit of the next of kin. इसके कुछ उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं वो क्या है वेयर द लैंड हैज बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वेयर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज मेड फॉर सेल और परचेज ऑफ लैंड वेयर ए टेस्टेटर और सेटलर इम्पेटिवली डेक्ट रियलिटी टू बी सोल्ड और परचेज और नंबर फोर वेयर देयर इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और परचेज ऑफ द लैंड आगे क्या है रिकनवर्जेशन यानी उसको दोबारा से रिकनवर्जेशन कर लेना थर्ड ले है परफॉर्मेंस अब परफॉर्मेंस क्या अब परफॉर्मेंस क्या है परफॉर्मेंस में बी डिफाइंड एज द डूइंग ऑफ ए थिंग एग्रीड टू बी डन इट इज द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विच वेदर द डोनी विशेज और नॉट ऑपरेट्स इन लॉ एज ए कंप्लीट और प्रोटेंट टू डिस्चार्ज ऑफ ए प्रीवियस लीगल लेबिलिटी ऑफ द डोनर अगेन क्या चीज़ है सेटिस्फैक्शन अब सेटिस्फेक्शन की डिफाइन क्या है सेटिस्फेक्शन मे बी डिफाइंड एज द मेकिंग ऑफ अ डोनेशन विद द इंटेंशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दैट इट इज टू बी टेक इन एदर होली और पोटेंटो इन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द सम प्रायर राइट्स और क्लेम ऑफ द डोनेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डेट बाय लेगेसीज सेटिस्फेक्शन ऑफ पोर्शन डेट्स और लेगेसीज और बाय द पोर्शंस अगेन आगे क्या, क्या, क्या कहता है Ademption. Ademption is the donation of a thing with the intention that it shall be taken either wholly or potental as a substitution mm -hmm. for a gift previously made by will by the donor in favor of the donee. It means a transfer of property which, whether the donee wishes it or not, operated in law as a complete or potential substitution for a gift previously made by the donor's will and unrevoked at his.

आगे चलें आगे क्या बोलता है मिस्टेक मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज एन एरोनियस इम्प्रेशन अमाउंटिंग टू कन्विक्शन दैट सम समस्टेंस विद रिगार्ड टू द मैटर इन हैंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फ्रॉम वाट इट रियली इज मिस्टेक इन मे बी ऑन ए मैटर इधर ऑफ लॉ और इधर ऑफ द फैक्ट मिस्टेक की जैसे मुख्य काइंड्स होंगी वो इनशाला हम जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे फिर आगे है एक्सीडेंट An effect is said to be accidental when the act by which it is caused is not done with the intention of the causing it. This is the accident hai, married woman. A married woman, which wo is in Pakistan and in English law, is not in England English law. In Pakistan, under the Married Women's Property Act of 1874, the position of a married woman is almost the same as in. इंग्लैंड गार्डियन एंड देयर पावर अब यहाँ पेट्राम यूज की है गार्डियन एंड देयर पावर फादर इज द नेशनल गार्डियन चिल्ड्रेन ही इज देयर फोर ऑर्डिनरली एन टाइटल टू देयर कस्टडी एंटल दे अटेंट द माइजोरिटी आफ्टर देयर मेजोरिटी ही सीज टू बी देर नेचरल गार्डियन द मदर इज द नेशनल गार्डियन ऑफ हर इलेजिटीमेट चिल्ड्रन अब इसमें गार्डियन की थोड़ी सी डिफरेंस में लेजिटमेट और इलेजिटीमेट की बात करें आई थिंक सो यू स्टूडेंट नो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेजिटिमेट एंड इन दिन चाइल्ड यानी फादर जो है वो गार्डेन नेशनल गार्डिन किसका है लेजिटिमेट चाइल्ड का जबकि इलेजिटमेट चाइल्ड की जो नेशनल गार्डन है वो कौन है मदर जब ये मेजोरिटी पे आ जाएंगे तो खुद बहुत ही जो नेशनल गार्डन का जो राइट है वो खुद ब खुद सीज हो जाएगा अब इसमें क्या है इन द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गार्डियन मेंटेनेंस ऑफ इन्फेंट इन द मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फेंट एंड द मैरिज ऑफ इन्फेंट ये इसलिए इन्होंने इसकी क्लासेस अब इन्फेंट क्या है द ओरिजिन ऑफ द जूशन ऑफ द चानस्री कोर्ट ओवर इन्फेंट और माइनर दो ए सब्जेक्ट ऑफ मच रिमेन्स अनडिस्प्यूटेड दैट फ्रॉम द दर्लियस्ट टाइम इट वॉज एक्सरसाइज बाई द कोर्ट ऑफ वार्ड ऑन द

इट इट्स एंड लियोनेटिक्स बींग इनकेपेबल बाई रीजन ऑफ मेंटल डिजॉस्टर टू मैनेज दर्सन एंड यानी मेंटली डिसऑर्डर होते हैं जो अपने चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते ये इन क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड इन पाकिस्तान द लियोनेसी एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ कवर्स दिस सब्जेक्ट एंड इट्स प्रोविजन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड द

Agents lien, vendors lien, purchasers lien, valets lien, stockbrokers liens, factors liens, trustees liens, personal liens, salvage, equitable, so and so. There are so many liens. Marshalling, securities, the contribution,

चार्ज फिर इसके आगे है फैमिली सेटलमेंट व्हाट इज द फैमिली सेटलमेंट इफ फैमिली अरेंजमेंट इज सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन द मेम्बर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट के जो फैमिली के, के जो डिस्प्यूट है उनको सेटल करना अब सेट ऑफ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अंडर ऑर्डर एट रूल सिक्स में सेट ऑफ सेट ऑफ के बारे में पूरा जो है ना डिफाइन किया गया है कि सेटअप की पीली को हम कैसे जो है क्या एग्जॉस्ट कर सकते हैं सेट set, की पीली को हम कैसे एग्जॉस्ट कर सकते हैं सेट ऑफ सेट ऑफ इज ए रेसिप्रोकल ऑफ़ द डेट्स इन एन एक्शन टू रिकवर द मनी सेट ऑफ इज ए क्रॉस क्लेम फॉर मनी बाय द डिफेंडेंट फॉर विच एक्शन अगेंस्ट द्लैंटिव एंड विच हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एक्सटिंग क्लेम प्रोटेंट सेटअप हो गया फिर आ गया है फूड क्लोजर हो गया है टैकिंग हो गया है लशिस हो गई है लशस मीन्स द नेग्लिजेंस और अनरीजनेबली डिले इन असर्टिंग और इन्फोर्सिंग ए राइट दिस इज कॉल्ड द लैश अब है पेनल्टी वेयर ए पेनल्टी और फॉरफिट क्लॉज इज इंसर्टेड मेयरली टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ सम सम एक्ट और द इन्जॉयमेंट ऑफ द सम ठीक फिर है फॉरफिशर यानी मैंने अभी जिस तरह से अभी को है पेनल्टी और अब जनाब ये इसकी जो अभी हमने जितने भी डिस्कस किए हैं ब्रीफली ब्रीफ तो नहीं है समिट्स है डॉक्टर नाउ स्टूडेंट इंशाल्लाह इनशाला इस लेक्चर को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम जैसे कि हमारा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे नाउ स्टूडेंट्स टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह